दोस्तों, गुरु ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप बहुत बार सोचते होंगे कि पढ़ाने के लिए मैं PPT, PDF या ओपन बोर्ड या वीडियो, ऐसे कौन से एप्लीकेशन यूज़ करूं कि जिससे मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। यदि हमें यह सारी चीज़ें एक ही एप्लीकेशन में मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। OneNote एक ऐसा ही एप्लीकेशन है जहाँ पे आप PDF, PPT, डॉक्यूमेंट, ग्राफ, एक्सेल शीट या अपना वीडियो, इन सभी को आप स्टोर कर सकते हो। यानी कि OneNote के नोटबुक में आप उसे इकट्ठा कर सकते हो और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से उनके जरिए पढ़ा सकते हो, और यह नोट्स आप उनको शेयर भी कर सकते हो। यह एक बेस्ट मैथमेटिक्स टूल तो है ही, लेकिन साथ में वह अदर सब्जेक्ट के लिए भी OneNotes बहुत काम का एप्लीकेशन है, जिसके द्वारा हम हमारी नोट्स स्टोर कर सकते हैं, यानी कि स्टोरेज के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो चलिए आइए जानते हैं OneNotes के बारे में। आइए चलिए देखते हैं OneNote कैसे काम करता है। हमारा सारा काम यहाँ पे एक नोटबुक में सेव होता है। हम काम यहाँ पर सेक्शन वाइज या पेज वाइज कर सकते हैं। पेज और सेक्शन यूज करने के लिए हमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। यानी कि मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ यहाँ पे कि आप जब भी लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको सेक्शन वाइज, यानी कि कॉमिक सेक्शन, स्टोरी सेक्शन, ये सारी बुक्स आपको उसी सेक्शन में मिलेगी। यानी कि कॉमिक की बुक्स कॉमिक सेक्शन में रखी रहेगी, स्टोरी की बुक्स स्टोरी सेक्शन में रहेगी। ऐसे ही OneNote में भी हम हमारे सब्जेक्ट की नोट्स उसी सेक्शन में रख सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं OneNote। OneNote को आपको गूगल सर्च से इंस्टॉल करना है, या फिर तो आप गूगल क्रोम से भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, इंस्टॉल करने के बाद मेरा पेज कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे मुझे न्यू पे क्लिक करना है। मैंने न्यू पे क्लिक किया, मुझे पूछा गया यहाँ पे नोटबुक का नाम, राइट। मैंने नोटबुक का नाम लिखा स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स, ओके। और यहाँ पे मैं करती हूँ क्रिएट नोटबुक। ओके, मेरा नोटबुक यहाँ पे क्रिएट हो गया है। देखिए, आपको कैसे पता चलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स, राइट। अभी मुझे मैथमेटिक्स, मतलब 10th क्लास के दो सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स में पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि मैथ्स 1 मैथ्स 2, मैथ्स 1 है मेरा एलजिब्रा एंड मैथ्स 2 है मेरा ज्योमेट्री, तो मैं ये दोनों को सेक्शन वाइज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सेक्शन वाइज करने पे कैसे होगा, ये देखिए, न्यू सेक्शन को मैं रीनेम करती हूँ। राइट क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको रीनेम बटन मिलेगा, तो मैं वहाँ पे रीनेम में एलजिब्रा लिखती हूँ, ओके। ना मुझे और एक सेक्शन चाहिए उसमें, तो न्यू सेक्शन के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो मुझे मिलेगा न्यू सेक्शन। अगेन मुझे रीनेम करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगी वहाँ पे और मैं राइट क्लिक करती हूँ, सॉरी कट, एंड आई कैन राइट हियर आल्सो आई थिंक। रीनेम हमें लगाना है ज्योमेट्री, ओके, ज्योमेट्री हो गए हमारे दो सेक्शन, यानी मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। नाउ हमें एलजिब्रा, देखिए मैं एलजिब्रा सेक्शन पे क्लिक करती हूँ तो आपको ब्लू कलर का पूरा लाइंस दिख रहा है यहाँ पे, बॉर्डर लाइन। वैसे ज्योमेट्री सेक्शन में क्लिक करती हूँ तो मुझे वहाँ पे लाइन दिखेगी। यानी आप हर एक इसमें अलग अलग कलर यूज कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करने से आपको सेक्शन कलर दिख जाएंगे, वहां पे आपको कलर चूज करना है, ओके। नाउ ऐड पेज, ऐड पेज के अंदर मुझे एलजिब्रा में
पेजेस ऐड करने हैं। सपोज पहला पेज मेरा है अनटाइटल पेज, मुझे उसको रीनेम करना होगा पहले, तो मैं उसको रीनेम करती हूँ। मेरा पहला चैप्टर है चैप्टर वन, सपोज मैं ले लेती हूँ प्रोबेबिलिटी, मुझे अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ाना है तो मैं प्रोबेबिलिटी ले लेती हूँ। मुझे सेकंड चैप्टर भी यहीं पे चाहिए तो मैं इसको वापस रिनेम करती हूँ और मैं लिखती हूँ चैप्टर टू। चैप्टर टू ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए आप ऐसे हर चैप्टर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको और एक पेज चाहिए चैप्टर के लिए, चलिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और उसे रीनेम कर देती हूँ चैप्टर थ्री लीनियर इक्वेशन। जैसे ही मैंने एलजेब्रा में ऐड किया वैसे ही मैं यहाँ पे ज्योमेट्री में भी ऐड कर सकती हूँ। आप हर पेज पे जाके ऐड कर दीजिए आप अपना चैप्टर, आपको कौन सा चैप्टर वहाँ पे लेना है आप ले सकते हो। ओके, मैंने पहला लिया है सर्कल, नाउ देन नेक्स्ट इज माय, मुझे पेज ऐड करना होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री। ओके, मैंने चैप्टर्स ऐड कर दिए। अभी मुझे हर चैप्टर का मटेरियल चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने क्लिक किया है प्रोबेबिलिटी पर, तो मैं प्रोबेबिलिटी पे मुझे उसके अनुसार यानी उसके हिसाब से मुझे उसका मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए ताकि बच्चे को मैं जब भी पढ़ाऊँ तो मैं यहाँ से ही उनको पढ़ा सकती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक काम करती हूँ कि यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। टेबल का आपको जितना रोज और कॉलम्स चाहिए आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो हो गया मेरा सिलेक्शन यहाँ पे, अभी मैं टेबल ड्रॉ करती हूँ। तो टेबल में मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ कि मुझे सारे लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की, फिर उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ फाइल रहेगा वो भी मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे उसकी पीपीटीज यानी पावर पॉइंट स्लाइड्स भी यहीं पे चाहिए, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रहेगा वर्ड फाइल रहेगा वो भी चाहिए मुझे, एक्सेल शीट यानी मैं कोई टेबल या ग्राफ उसके अंदर ले सकती हूँ। सपोज मुझे कोई टेबल ड्रॉ करना है तो मैं पहले इमेजेस ले लेती हूँ, मुझे कोई इमेज डालना हो तो मैं डाल सकती हूँ उसके अंदर। फिर मैं लेती हूँ टेबल, यानी मैं ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड ही ले रही हूँ। आप समझ सकते हो कि मुझे सारा मटेरियल एक ही जगह पे चाहिए, पेपर्स यानी या फिर मैं लिख सकती हूँ असाइनमेंट्स, आप असाइनमेंट्स भी लिख सकते हो यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इम्पोर्टेंट नोट्स, मुझे कोई नोट्स यानी या कुछ रिमाइंड चाहिए मुझे तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इम्पोर्टेंट नोट्स, और लास्ट में या फिर आप होमवर्क ऐसा भी कुछ दे सकते हो। चलिए फर्स्ट है मेरा लिंक, सो मुझे लिंक सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डालना है। आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मैं बात करूँ यानी उसी चैप्टर से रिलेटेड मैं लिंक यहाँ पे डालती हूँ। देखिए मेरा लिंक यहाँ पे सेव रहेगा, आपको सबसे पहले इसको मिनिमाइज करना है। आपका बुक जहाँ पे भी रहेगा आपको वहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है। अभी मैंने यहाँ पे लिंक्स रखे कुछ, मैं वहाँ गई राइट, तो मुझे ये सारे लिंक्स दिख रहे हैं, आपको वो लिंक आपको सिलेक्ट करना है। मैंने ये लिंक सिलेक्ट किया, आप यूट्यूब से भी लिंक सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए कॉपी, फिर मुझे और कुछ नहीं करना है, वापस मेरी नोटबुक में जाना है, मुझे लिंक को वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है राइट। लिंक को मुझे वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो टेक्स्ट में है और यहाँ पे हमने मर्ज फॉर्मेटिंग में लिखा हुआ, तो चले कीप टेक्स्ट ओनली, तो टेक्स्ट आ गया यानी आपका लिंक यहाँ पे आ गया। अभी मैं सपोज यहाँ पे क्लिक भी करती हूँ तो मुझे पूरा यूट्यूब में जो भी उससे रिलेटेड रहेगा वो लिंक से रिलेटेड रहेगा यानी मुझे वो लिंक दिखेगी। और देखिए आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो लिंक है मेरी, तो आपको प्रोबेबिलिटी दिखेगा यहाँ पे, है ना, यानी आप YouTube की लिंक दिखा के बच्चों को पढ़ा सकते हो। आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको प्रोबेबिलिटी का मटेरियल यहीं पे मिल जाएगा। वैसे ही आप
पीडीएफ, मुझे कोई पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं डालती हूँ कि क्वेश्चन पेपर, राइट। मैं क्वेश्चन पेपर डाल देती हूँ यहाँ पे कोई, तो चलिए मैं, मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं कहाँ पे जाऊँगी? सबसे पहले मैं जाऊँगी वहाँ उसके लिए। सॉरी मुझे ये नेटवर्क इशू हो है शायद। हाँ, मुझे कोई क्वेश्चन पेपर डाल देना है तो मैं क्वेश्चन पेपर के लिए जाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, वो है टेस्ट पेपर, यस। तो मैंने ये क्वेश्चन पेपर, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी का नहीं है, मुझे स्टैंडर्ड 10th में जाना है। स्टैंडर्ड 10th में गई मैं, मैथ्स में गई, एलजिब्रा में, और मैंने वहाँ से प्रोबेबिलिटी टेस्ट उसको कॉपी किया, राइट। कॉपी किया मैंने, यहाँ से उठाया नहीं, मैंने सिर्फ कॉपी किया है और नोटबुक में जाके वहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन पेपर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अभी वो पूछ रहा है कि आपको फाइल अटैच करना है क्या या प्रिंट आउट निकालना है, तो ऑब्वियसली हमें फाइल ही अटैच करना है, तो मैंने फाइल अटैच कर लिया। देखिए आपको प्रोबेबिलिटी का टेस्ट पेपर मिल गया, कौन सा, इसमें पीडीएफ टाइप में, राइट। अभी मुझे कोई पावर पॉइंट का कोई स्लाइड यहाँ पे कॉपी करना है, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही मुझे पावर पॉइंट चाहिए, तो मैं वापस जाती हूँ कहीं पे कॉपी करने के लिए। चलिए मेरे डेस्कटॉप पे ही रहेगा कहीं पे, यहाँ पे पावर पॉइंट यानी पीपीटी रहेगा, राइट। तो पीपीटी, ये देखिए यहाँ पे पीपीटी दिख रहा है सिंबल मुझे, तो मैं कॉपी कर लेती हूँ उसको और यहाँ पे वापस जाके पेस्ट करती हूँ। पेस्ट ऑप्शन मेरा, राइट, अटैच फाइल अगेन। देखिए आपको पीपीटी मिल गया। अभी कोई डॉक्यूमेंट फाइल चाहिए तो डॉक्यूमेंट फाइल लेने के लिए आप वही जो मेरे पास लिंक था, मैं अभी उसी को क्लिक कर लेती हूँ। तो चलिए वन नोट्स, ये लिंक को मैं वहीं पे डाल देती हूँ कॉपी, और नोटबुक में जाके मैंने पेस्ट कर लिया अटैच फाइल। नाउ एक्सेल शीट चाहिए मुझे, ये एक्सेल शीट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ रहेगा तो मैं वहां से उठाती हूँ। देखिए मटेरियल सारे आपके पास है, आपको सिर्फ एक स्टोरेज चाहिए था, जो स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल गया, यानी आप अभी सेक्शन वाइज उसे आप डिवाइड कर सकते हो। अभी मुझे एक्सेल फाइल चाहिए, ये देखिए एक्स है, यानी ये एक्सेल फाइल है प्रोबेबिलिटी का। मैं उसको कॉपी करती हूँ, नोटबुक में जाके स्टोर करती हूँ। ये हो गया मेरा स्टोर। अभी वो पूछ रहा है आपको अटैच फाइल करना है, इंसर्ट कोई एक्सेल शीट स्प्रेड लेना है आपको, या फिर कोई चार्ट या टेबल चाहिए। अभी तो मुझे सिर्फ अटैच फाइल ही लेना है, यानी वो कितना समझदार है, हमें पूछ लेता है कि आपको क्या चाहिए। अभी इमेजेस, मुझे कोई इमेज चाहिए इसमें, तो मैं जाती हूँ वापस इमेज के लिए कहीं पर डेस्कटॉप पे, या फिर मेरी कोई फाइल रहेगी वन नॉट प्रोबेबिलिटी, यस यहाँ पे मुझे मिल जाएगा इमेजेस, प्रोबेबिलिटी इमेजेस। मैं कोई इमेज सिलेक्ट करती हूँ, मैंने सिलेक्ट किया ये इमेज, ये वाला इमेज है, मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ और नोटबुक में जाके पेस्ट कर लेती हूँ। अभी आपको लगेगा इतना बड़ा इमेज यहाँ पे कैसे आ जाएगा, आ जाता है। आपको और बड़ा करना हो तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये देखिए एरोस दिख रहे हैं आपको, सर्कल्स दिख रहे हैं, आप उसके उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, राइट। मैंने ये एक इमेज लिया हुआ है। अभी टेबल, मुझे टेबल चाहिए यहाँ पे, तो टेबल तो मेरे पास ड्रॉ नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं कर सकती हूँ यहाँ पे। चलिए मैं इंसर्ट कर देती हूँ, आपको इंसर्ट में जाना है, टेबल पे क्लिक करना है। मुझे 2x5 का चाहिए, यानी 2 कॉलम चाहिए और 5 रोज चाहिए, 5 या 6 रोज में ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया आपका टेबल, राइट। अभी टेबल के अंदर मैं लिख देती हूँ कुछ तो भी ऐसे ही, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कार्ड्स, कार्ड्स यानी हम जो पत्ते खेलते हैं वही। तो ये हो गया 52 कार्ड्स, आपके पास कितने रहते हैं 52, सपोज उसमें डायमंड के कार्ड्स हमारे पास कितने रहेंगे बच्चे, बच्चों वो रहेंगे हमारे पास 13, ओके। फिर मैं स्पेड, वो भी मेरे पास है 13, फिर मेरे पास और एक है टोटल सबसे चहिता कार्ड सका हार्ट, वो कितने रहते हैं आप लोगों के पास 13, और लास्ट में है एस कि जो आपको 13 मिलेंगे, यानी टोटल 52 कार्ड्स आपको मिल जाते हैं। ये मैंने टेबल यहाँ पे बना दिए, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे एक टेबल बना सकते हो,
पेपर्स, मुझे कोई पेपर्स है, अभी मैंने यहाँ पे पेपर्स क्वेश्चन पेपर डाला था, तो मैं मुझे उसका आंसर पेपर डालना है यहाँ पे, मैं वापस जाऊँगी कॉपी करने के लिए, ऑब्वियसली कॉपी मुझे वहीं पे सॉल्यूशन मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन पेपर मिला था। तो चले देखते हैं क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था। हाँ, मैंने यहाँ से कॉपी किया मॉडल आंसर पेपर कॉपी, एंड मैं नोटबुक में जाके उसको पेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने पेस्ट कर लिया उसको। ओके, अटैच फाइल अगेन, तो फाइल अटैच हो गया मेरा। इम्पोर्टेंट नोट्स मुझे कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मुझे होमवर्क चेक, आई हैव टू चेक द असाइनमेंट। चेक होमवर्क, ये नोट मैंने अपने लिए रखा है कि ताकि मैं भूल ना जाऊं। और क्यों डाला मैंने ये नोट, क्योंकि मुझे पता है ये मैं यहाँ पे डेट दिया रहता है कि मैंने कभी ये क्रिएट किया है और कभी दिया ये चीज, तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं ये मुझे बच्चे को देना है। ग्राफ आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड या और कोई इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ यहाँ पे डाल सकते हो। अभी आप देख सकते हो मेरा सारा मटेरियल प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड सारा मटेरियल मुझे यहीं पे मिल गया है, राइट। मैं कहीं पे भी क्लिक करती हूँ मुझे यहीं पे उसका क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर मिल जाता है। ओके, ओके, सॉरी। ये देखे मैं, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल गया, आंसर पेपर मिल गया, राइट। तो सारी चीजें हमें यहीं पे मिल जाती है, तो मुझे बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही चैप्टर रहेगा। ये स्टोरेज आपके पास बरसों तक, सालों तक आपके पास रहेगा, कहीं पे भी घूम नहीं होगा। ये वन ड्राइव में सेव होता है, यानी बहुत इजी हो जाता है आपको वही स्टैंडर्ड में जाके, वही सब्जेक्ट पे जाके, वही चैप्टर वाइज वो नोट्स आप निकाल के बच्चों को पढ़ा सकते हो, राइट। तो है ना, कितना अच्छा ऐप है ये। तो आप इसका यूज कर सकते हो एक स्टोरेज के लिए। और एक दूसरा अच्छा बता देती हूँ आपको कि एक मैथमेटिक्स टूल इस ऐप में बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। तो आप एक एज अ मैथमेटिक्स टूल की तरह भी इसको यूज कर सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू आपने इतनी अच्छी तरह से मेरा वीडियो देखने के लिए। ज्योमेट्री में जाइए, ज्योमेट्री में भी सेम है, आपको ऐसे ही करना है। वैसे ही आप यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते जाइए सेक्शन वाइज, और आप अपना पूरा मटेरियल 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड यहाँ पे सेव कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा लेक्चर यानी कि मेरा प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी तरह से सुनने के लिए। ओके, थैंक यू।